कि अरमान जीत जाए, हो सकता है कि और जो हम, मैं तो चाहूंगी अरमान जीत जाए, मेरा दोस्त है ना, है ना, और कोई भी जीत जाए भाई, जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा, कितने के सपने मर जाते हैं। अब अगर उसको उसको खेलते हुए देख के जीते ना जीते तो देखो डर गए थे एकदम, बारिश के मजे ले रहे हम यहाँ बहुत तक खेल खेल रहे। तो देखो भाई, क्यों मैं शिवानी कुमारी को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे और शिवानी कुमारी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है भाई शिवानी कुमारी और मेरे में। चाहे मेरी पास्ट लाइफ में मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, मेरे को कुछ भी सफर किया हो, वो मेरी पर्सनल चॉइस, मेरी पर्सनल उस पर भी आया, बट मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा बाप तो खड़ा था। मैं कहीं रोड पे नहीं गई, मेरा बाप खड़ा था पीछे, मैं हूँ बेटा तू चल आगे। शिवानी कुमारी का तो पापा भी नहीं है, है ना, मेरे पापा मुझे खड़े थे। कई लोग बोलते हैं कि निशा तुमने भी तो बहुत सफ़र किया। भाई किया, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफ़र करता, हर कोई सफ़र करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कैसे सफ़र करता वो भी मैटर करता है, बट जो शिवानी का है, शिवानी का पापा भी नहीं है, भाई तो है ही नहीं, पापा भी नहीं है, मेरे पीछे तो मेरा बाप खड़ा था। यहाँ पे ऐसे पकड़ो मम्मी, ये मेरे माँ बाप है, बेचारे इतने शरीफ हैं। देखो मैं अभी डांट के फ़ोन पकड़ा था, फ़ोन पकड़ लिया, तो मेरी मेरे ऊपर जब भी दुखी घड़ी आई तो मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा था, तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। मेरा बाप खड़ा था कि जा निशा मैं हूँ, जिस दुकान में मैं काम करी मेरे पापा ने मेरे को लेके दी, सब कुछ मेरे पापा ने सेट किया। उन्होंने मुझे बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी तब उन्होंने मुझे दोबारा से बनवाया। तो भाई फ़र्क पड़ता है एक बाप का होने का और एक बाप का ना होने का, इसलिए भी शिवानी कुमारी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, इसलिए भी वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, मुझसे ज़्यादा मेहनत की है उसने, मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी सफ़र की है, क्योंकि मैंने तो इतना कुछ सफ़र किया भी नहीं। अगर किया भी होगा तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट है, क्योंकि हर ज़िंदगी में मेरी माँ ने भी कुछ सफ़र किया होगा, सब हर कोई सफ़र करता है, और सबके पीछे एक सपोर्ट होता है। जैसे मेरे पीछे मेरे बाप का सपोर्ट था, मेरा बाप बोला कि मैं बिठाता हूँ मेरी बेटी को दुकान पर, जब दुकान भी नहीं थी, कोविड के बाद था, पैसा भी नहीं था, बोला मैं लगाता हूँ पैसा। तो ये मैं बोलने वाला मेरा बाप मेरे लिए भगवान है, वो मेरे पीछे था, है और हमेशा रहेगा। बट दिक्कत ये है, हमारी शिवानी के पास इस चीज़ की कमी है, इसलिए उसको खूब सारा प्यार हमें भी देना चाहिए, लोगों को भी देना चाहिए। हर इंसान में कमी होती है, मेरे में भी है और सब में है, है ना मम्मी, आप में भी होगी, सब में होती है, बिल्कुल कमी कमी होती है, तो उसकी तो भगवान ही ना बन जाए कमी ना, तो हम भगवान ही ना बन जाए। हाँ, हर इंसान में कमी होती है, कमी सब में है, उसमें भी है और मेरे में भी है और सब में है, बट उस कमी से जैसे वो फाइट बैक कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। उसको ये मत देखो कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता, वो कैसे कहाँ तक पहुँची है, ये क्यों देख रहे हो कहाँ से शुरू करके कहाँ तक पहुँची और किस बंदे ने उसका हाथ पकड़ा है। हमारे तो मेरे बाप ने हाथ पकड़ा है, उसके किसने हाथ पकड़ा, उसका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, उसने सब सबका हाथ पकड़ा है, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है ना माँ। ज़्यादा उसको ये मत सिखाओ कि कैसे बोले कैसे नहीं बोले, कैसे रहे कैसे नहीं रहे, अच्छी बात नहीं लगती है उसकी लैंग्वेज के कारण है, उसको लोगों ने ट्रोल किया। मीठी लगती है यार मुझे तो, हम देसी है ना, हमें तो वो मीठी लगती है, हमें तो वो लैंग्वेज अच्छी लगती है, बल्कि हम देख रहे तो हमें अच्छा ही लग रहा है, बट शायद हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग वहाँ पे बैठे हों
जिनको वो अच्छी नहीं लग रही, और घर में बंद बंद लोग ना एक ही आवाज सुन सुन के भी चिढ़ जाते हैं। मैं लोगों को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, एक ही आवाज, जैसे मैं भी बार बार बोलती रहूंगी इस कमरे में तो थोड़ी देर के बाद तू और मैं कंटिन्यू फोन रखेंगे तो तुझे मेरी आवाज भी बुरी लग सकती है, मम्मी फोन बंद करो ना, तो ये हो जाता है। बट अगर हम अपना विचार बोले तो मेरा तो विचार यही है, आपका क्या विचार है? मेरा भी शिवानी जीतनी चाहिए, बहुत अच्छी लड़की है ना, बहुत मेहनत कर रही है सच। और ये कोई फेम वेम के लिए हम लोग नहीं कर रहे हमें, हाँ हम देखिए फेम चाहिए इस तरह, है ना, हमने इस तरह कोई फेम नहीं चाहिए, हमने तो सही गलत का बेरा है कि भाई यो सही है यो गलत है, है ना, कोई कोई मेरे को तो उससे कोई मतलब है ही नहीं बिल्कुल। मैं तो बिग बॉस में देखती हूँ ना उसकी, मुझे तो सारी हरकत अच्छी लगती है यार। इस गर्मी में सबका फेस हो रहा है टैन, तो यू नीड अ डी टैन फॉर दैट। अगर आपके फेस पे हो रखे टैनिंग और आप नहीं जा सकते रेगुलर सैलून में, सैलून में जाके डी टैन करवाने से अच्छा घर में खुद आप डी टैन कर सकते हो। यूज दिस डी टैन टू रिमूव योर टैनिंग पार्ट। कहाँ से ले सकते हो? नंबर मेंशन करे उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जस्ट सिंपल एप्लीकेशन है, बॉयज गर्ल्स कोई भी यूज कर सकता है, 15-16 साल के बाद के भी बच्चे यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है जिसका फेस हो रहा है टैन, और फटाक से अपने फेस को करो डी टैन। सच में गाँव की लड़की को देखो जिताना आप सब लोगों के हाथ में है, गाँव में भी लड़कियां थोड़ी ये सोचेंगी हमारा भी आ सकता है नंबर, ये तो नहीं वो, फिर वो गाँव में वो लोग बाप उन बच्चियों को और मोटिवेट करेंगे कि देखो जब शिवानी कुमारी अकेली होके इतना नाम कर सकती है, बेटी तू भी कर सकती है, थोड़ी सी तो आजकल लड़कियां कर रही हैं, खूब नाम कर रही हैं, खूब मेहनत कर रही हैं, वो शहर की होगी, मतलब गांव में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फ्रीडम और चाहिए, गांव की भी आ रही है लेकिन अब शिवानी को देखकर और भी ज्यादा आएंगी। कितनी लड़कियों के सपने मर जाते हैं, हम तो फिर भी कहीं ना कहीं अपने सपने जी लेते हैं, बट वो उनके कितने को सपने मर जाते हैं। अगर उसको खेलते हुए देख के जीते ना जीते तो देखो वो भविष्य डिसाइड करेगा, हमें नहीं पता, हाँ वो हमें नहीं पता है कि आगे जाके ना कौन किसका साथ देगा, बट उसको देख के कितनी औरतें सपने ले रही होंगी। मैं तो बिग बॉस कभी नहीं देखती, अब की बार देख रही हूँ, मैं तो कभी नहीं देखती। मम्मी कभी नहीं देखती, मम्मी शिवानी के लिए देख रही है ना। हाँ तो भाई ऐसा नहीं है, शिवानी इज ए नाइस गर्ल, हमें तो एक लड़की जो दूसरी लड़कियों को सपना दे सके, चाह दे सके, और जिताना बाकी तो किस्मत है भाई, सही बात, जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा। मैं ये नहीं कह रही, हो सकता कि अरमान जीत जाए, हो सकता कि और जो हम, मैं तो चाहूंगी अरमान जीत जाए, मेरा दोस्त है ना, है ना, और कोई भी जीत जाए भाई, जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा। बात तो यहाँ पे उसकी लैंग्वेज, उसके बिहेवियर, उसके नेचर की हो रही की थी, तो मैं बता रही हूँ उसका नेचर भी बहुत अच्छा, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा, हम लोगों को अच्छी लगती है। गलत कर ही नहीं रही वो, पता नहीं उसको गलत क्यों बोल रहे हैं। देखो निशा, देखो थोड़ा तो एक्टिंग वहां चाहिए। अच्छा मैं जाऊंगी तो मैं ऐसे 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 थोड़ी, मैं नॉर्मल जैसी रहती हूँ ऐसे थोड़ी रहूंगी, नहीं नहीं मैं भी बदमाशी करूंगी, तो कभी भगवान तेरी किस्मत होगी कभी बुला ले तो तू भी ऐसे एक्टिंग करेगी। तो मैं करूंगी भाई, करूंगी क्योंकि एंटरटेनमेंट फील्ड है, मैं भी करूंगी, मैं भी बकवास करूंगी। तो इससे ये थोड़ी हो जाता है कि मैं गलत इंसान हो गई। नहीं सही बात है, वो शो है वहाँ पे, जो भी खेल रहा है खिला रहा है और या कुछ भी वो कर रहा है भाई, अपना गेम खेल रहा है, जो बढ़िया गेम खेलेगा जो बढ़िया से करेगा वो जीत जाएगा। किसी की लैंग्वेज, किसी के बिहेवियर, किसी के बोलने चालने से आप जज मत करो, और उसको तो वैसे भी जज मत करो। हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। आपने टिकटॉक पे नहीं देखा होगी, मैं तो उसको देख रही हूँ ना, उसने इस टिकटॉक के बाद थी या शायद ये थी, अपना घर खुद बनवाया था, छज्जा था, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी लड़की है। अब हम भी जा रहे काम करने, मेहनत करने, पार्लर में अपना काम करेंगे, है ना, बिल्कुल।